चाचा जी आपको चढ़ गई है, आप चढ़ गए हैं, आप उतर जाइए प्लीज। हाँ बाबू जी प्लीज प्लीज उतर जाइए, आप गिर जाएंगे बाबू जी। उतर उतर, मैं आपकी मदद करता हूँ। हाँ बाबू जी मैं आपकी मदद करता हूँ। उतर उतर। अरे ये कैसा उतर, वही समझ में नहीं आ रहा है। एक मिनट बाबू जी, सॉरी अंजलि, सॉरी। हाँ कोमल, सॉरी मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। हाँ माधवी, एक्चुअली हम सब आपको एप्पल फूली बना रहे थे। सॉरी हम मधु माधवी। सॉरी रोशन डार्लिंग, मान जा। सॉरी सॉरी बबीत, बापूजी बापूजी, सॉरी सॉरी बापूजी, सॉरी सॉरी बबीता। सुड़ी, ये सुकी ने बोतल में क्या भेजा था भाई? पहले झूम रहे थे, अभी हंस रहे हैं। ये लोग हंस क्यों रहे हैं? मैनू की पता। आप लोग इतना हंस क्यों रहे हो? क्योंकि आप सब बन गए हो। क्या हो रहा है ये सब? तुम सब लोगों ने क्या सोचा था कि हम सब लोग क्या बेवकूफ है? तुम सब लोग हमें बनाओगे और हम सब अप्रैल फूल बन जाएंगे। उल्टा हमने आप सबको अप्रैल फूल बनाया है। और देखा आप सब लोग कैसे डर गए, हमारी एक्टिंग को सबने सच मान लिया। आहो उसमें शरबत ही है बरका। अरे और आप क्यों चेक कर रहे हो, बोल रहे हैं? वो नहीं, मैंने नहीं विश्वास। यारो तो इसमें तो शरबत ही है। हाँ तो सुखी ने तुझे फोन में ऐसा क्यों बोला कि उसमें शरबत नहीं है? मेनू की पता। फोन कर उसे और पूछ उसे। उन्हें फोन लगाना। अरे नहीं नहीं, फोन करने की कोई जरूरत नहीं है। सुखी भाई ने ऐसा किया क्योंकि हमने उनसे कहा था। क्या की? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा ये क्या चल रहा है सब। अरे भाई हमको भी समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है ये। पुपट भाई मैं समझाती हूँ। वो जब आप अब्दुल भाई से इनकी पार्टी शार्टी की जगह पूछने गए थे ना, तब अभी वो लोग पार्टी शार्टी कर रहे हैं और पोपट भाई ने कहा कि बॉटल की सेटिंग रोशन ने की है, तो जरूर रोशन ने अपने खास दोस्त सुखी भाई से ही बॉटल मंगवाई होगी। हाँ तो मैं अभी सुखी भाई को फोन करके पूछती हूँ। मुझे बहन मानते हैं, मुझसे झूठ नहीं बोल पाएंगे। परफेक्ट रोशन भाभी, अभी फोन कीजिए। हाँ ठीक ओके। हाँ। एक मिनट रुकिए,
क्यों? इस वक्त शायद वो आपका फोन नहीं उठाएंगे। हाँ, आपका फोन जाते ही उन्हें शक हो जाएगा कि आपने पक्का पार्टी शार्टी के बारे में पूछने के लिए ही फोन किया है। हाँ, ये पंच है। आप एक काम कीजिए, आप मेरे फोन से सुखी भाई को फोन कीजिए। हाँ हाँ। हेलो सुखी भाई, मैं रोशन बात कर रही हूँ। ऊपर जाइए जी। आप सुखी भाई, आपने ये बहुत गलत किया। हा? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो मैं की कितना पर जाए जी? मुझे सब पता है कि रोशन अभी अपने गोकुल धाम के फ्रेंड्स के साथ पार्टी शार्टी कर रहा है और उसके लिए बॉटल की सेटिंग आप ही ने की है। उत्तरी पर जाए जी को ये सब कैसे पता चल गया? सुखी भाई। हाँ जी हाँ जी फरजाई जी। मैंने आपको बस ये बताने के लिए फोन किया कि मैं अपना फोन स्विच ऑफ करके हमेशा हमेशा के लिए अपने मायके जा रही हूँ। आप ये बात रोशन को बता देना। ओके। ओ नहीं फरजाई जी, रुकिए रुकिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। सोटी कोई पार्टी शार्टी नहीं कर रहा है। झूठ मत बोलिए सुखी भाई। नहीं फरजाई जी, कोई झूठ नहीं बोल रहा मैं। गोकुल धाम में सोटी क्या कोई भी पार्टी शार्टी नहीं कर रहा। क्या मतलब? बोतल की सेटिंग आपने नहीं की? वो दी है, पर शरबत की बोतल दी है। शरबत? हाँ पर जाई जी, सोटी को ओरिजिनल बोतल में शरबत भर के चाहिए था तो मैंने भर के दिया। रोशन ओरिजिनल बोतल में शरबत क्यों मंगवाएगा? क्योंकि गोकुल धाम के सारे मर्द आपको अप्रैल फूल बनाना चाहते है। अप्रैल फूल? हाँ, वो जो भी कर रहे हैं आपको अप्रैल फूल बनाने के लिए कर रहे हैं। ऊपर जाई जी, मैंने तो सब बता दिया आपको। अब सोडी मुझ पे गुस्सा करेगा। नहीं नहीं रोशन, आपको कुछ नहीं बोलेगा। सुखी भाई मैं हूँ ना, आप टेंशन मत लो। ठीक है जी। ओके, थैंक यू थैंक यू, बाय। खोदा पहाड़ निकला चूहा। आई स्वेयर अप्रैल फूल बना रहे हैं। क्या अगर हम लोग ही उनको अप्रैल फूल बना दे तो? कैसे? वो कैसे? लेकिन सुखी भाई मानेंगे? मानेंगे ना, क्यों नहीं मानेंगे? हमारा प्लान सक्सेसफुल होगा और हम सब मिलके बनाएंगे उनको अप्रैल फूल। और फिर सुखी भाई ने वो ही किया जो हमने उनसे कहा। और सुखी ने मेनू डबल क्रॉस किया। देख। हाँ, क्योंकि मैंने उसको तेरी कसम ली थी। तब तो सही है यारो, सुखी तू मेरी कसम दे दो ना तो वो कुछ भी कर सकता है। अरे लेकिन तेरे सुखी ने हमारा प्लान बिगाड़ के हमको दुखी कर दिया, उसका क्या? उसकी तरफ से मैं सॉरी बोलता हूँ। और हमने आप लोगों को अप्रैल फुल बनाया। बड़ा मजा आया। अरे बहनों, आप लोगों ने ऐसा मुझे क्यों नहीं बताया? सॉरी हो पोपट भौजी, क्या है कि इनको अप्रैल फूल बनाने के उत्साह में आपको बताना वो भूल ही गए। तो फिर चाचा जी को कब बताया? अरे पोपट बेटा, ये सारी बेटियां जब शरबत पी रही थी ना, तभी अंजलि बेटी ने मुझे इशारा कर दिया। फिर क्या, मैं भी इन लोगों के साथ जुड़ गया। वाह बापू जी। पर आप लोगों के एक दूसरे को अप्रैल फूल बनाने के चक्कर में सबसे बड़ा अप्रैल फूल तो मैं बना। वो इसे कहते हैं पोपट का सच में पोपट होना। ऐसा ही चाहिए। सॉरी पोपट भाई।
ठीक है, आप समझे आप लोग, औरतें सब समझती है, बस आपकी इन बेवकूफियों का जवाब नहीं देती। हम आपको कुछ बोलते नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें कुछ समझ में नहीं आता है। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। और इसका मतलब ये है कि हम कभी कभी कहते हैं जाऊ दे सोडून द्या। बरोबर है, बरोबर है। देखा, इन सब बेटियों ने मिलके तुम सब लोगों के प्लान को कैसे उल्टा कर दिया। देखा देखा ना बापू जी। तो इसी बात पे महिला मंडल के लिए जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू। पर एक सेकंड, एक सेकंड। वो मैं क्या कहता हूँ, वो मौका भी है, दस्तूर भी है, तो माहौल भी है, तो चलो थोड़ा थोड़ा पीते हैं। ये अरे नहीं चाचा जी, मेरे कहने का मतलब सी कि अब्दुल को बुला के सोडा सोडा पीते हैं। सोडा सोडा बापू जी सोडा। तारक, क्या अब तक नहीं आई है? अच्छा, आती होगी। बेटे सुविचार लिख रहे हैं। बाय। बेटे भाई सुविचार लिख रहे हैं, इसमें कौन सी नई बात है? बचने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कभी दूसरों की पतंग काटने के चक्कर में अपनी खुद की पतंग कट जाती है। अरे वाह 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 भेड़े, क्या मस्त सुविचार लिखा है ना। औरतों की पतंग काटने की कोशिश कर रहे थे और हमारी पतंग कट गई। क्या बात है भेड़े भाई, वैसे सुविचार से खुद ही आप अपने पुरुष मंडली के जख्मों पर नमक छिड़क रहे। अंजलि, इसे नमक छिड़कना नहीं, इसे खुद पे हंसना कहते हैं। और वैसे भी ये टैलेंट सिर्फ और सिर्फ पुरुषों में ही होता है, हम खुद पे कभी भी हंस सकते हैं। हाँ, हम क्या है। अंजलि भाभी, भले ही कल हम लोग अप्रैल फुल बने, लेकिन हमने उसका फुल आनंद उठाया। और हम वैसे भी औरतों की तरह मुंह फुला के थोड़ी ना बैठ सकते हैं। तारक देखा आगे ना गुस्सा। क्या हुआ मेहता साहब, कल आपको अप्रैल फुल बनाया था तो अभी भी गुस्सा है क्या अंजलि भाभी से? ओ पटलाल, मैं पति हूँ, मैं ऐसी जुर्रत नहीं कर सकता। आओ आओ, गुड मॉर्निंग डबल पोपटलाल। क्या भाई, मतलब क्या जरा डबल पोपटलाल से? तो मतलब ये पोपटलाल कि कल हमने तो तुमको अप्रैल फुल बनाया, महिला मंडल ने भी तुमको अप्रैल फुल बनाया। अरे तो बनता ही ना, दुश्मन ना करे दोस्तों ने वो काम किया है। पोपटलाल छोड़ो कल की बातें। कल की बात पुरानी। अरे पुरानी बात याद किसने दिलाई डबल पोपटलाल बोल के? ऐसा बोला मैंने? ये देखिए मेहता, चलिए हम लोग ऑफिस के लिए निकलते हैं। मैं आपको आधे रास्ते तक छोड़ देता हूँ, फिर उसी रिक्शा में आगे आप अपने ऑफिस के लिए निकल जाओ। एक मिनट, तो तुमने कैसे मेहता साहब को छोड़ा? मेहता साहब ने तुमको छोड़ा ना? तो ठीक है ना भाई, वैसे रखो। चलिए मेहता साहब, चलते हैं पोपटलाल, लेकिन ऑटो में नहीं, आज मैं एसी टैक्सी में जाना चाहता हूँ। चलिए फिर मैं निकलता हूँ। अरे मैंने एसी टैक्सी मंगा ली है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अरे वाह, क्या बात है मेहता साहब, एसी टैक्सी, प्रमोशन हुआ है? अरे प्रमोशन नहीं, आज ऑफिस में प्रेजेंटेशन है, अगर ऑटो में गया तो गर्मी की वजह से पसीने से हालत खराब हो जाएगी। वैसे मेहता साहब, आज आपका टैक्सी का आधा भाड़ा बचेगा। कैसे? अरे तुम जाओगे ना मेहता साहब के साथ, तो अरे तुम आधे रास्ते तक जाओगे तो आधा भाड़ा तुम दोगे। अरे मैं क्यों दूं भाई आधा भाड़ा, और वैसे भी मेहता साहब छोड़ रहे हैं ना मुझे। मेहता साहब, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको ऑटो का जितना भाड़ा होता है उतना दे दूंगा। हाँ दे दो, ले लो। अरे नहीं पोपटलाल, मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगा और मैं तुम्हें एसी टैक्सी में ड्रॉप कर दूंगा। इसे कहते हैं इंसानियत। अरे छोड़ो ना पोपटलाल, वैसे ही गर्मी ने इतना परेशान करके रखा है। है ना, बस दो मिनट रुकिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। अरे अंजलि, टैक्सी आ जाएगी? उससे पहले मैं आ जाऊंगी। और अगर नहीं आई तो आप बिना पिए निकल जाते। ओके, मैं समर किलर लेकर आती हूँ। मेहता साहब, समर किलर? आज के पहले कभी सुना नहीं है, क्या है समर किलर? समर किलर नहीं है, समन किलर है ये। काम करते हैं पोपटलाल, वो कैब वाले को भारी पकड़ लेते हैं। बच गए मेहता साहब। अरे मेरे भाई, वो लोग चले गए। हाँ, आपसे पहले कैब आ गई ना। कोई बात नहीं, चलिए आप ही लीजिए।
समवन किलर? समर किलर? ट्राई तो कीजिए। आता माझी टेस्ट आहे। तो अच्छा निकला? मतलब? ये मस्त है अंजलि भाभी, बहुत अप्रतिम है। वाह, थैंक यू अंजलि भाभी। वेलकम। चलो। अरे ग्लास। सॉरी। इतनी गर्मी बढ़ गई, नहीं तो क्या है, इतनी गर्मी हो गई कि कहीं बाहर निकलने का मन ही नहीं करता। तुझे बाहर निकलने का टेंशन क्यों हो रहा है? तेरा तो सब काम घर से ही है भाई, आचार पापड़ ट्यूशन सब। हाँ जेठारा, लेकिन आचार पापड़ कस्टमर के पास उड़ के नहीं जाते ना, डिलीवरी करने जाना पड़ता है। तू कौन सा धूप में चल के जाता है डिलीवरी करने, शखरम पे बैठ के तो जाता है मस्त। लेकिन जेठालाल, मेरे सखरम पे तुम्हारे दुकान की तरह एसी नहीं लगा हुआ है ना, सखरम पे गर्मी तो लगती ही है। तो अपने सखरम में भी एसी लगवा ले। वाह वाह जेठाबरा, क्या टॉप क्लास आइडिया है। एक काम करो जेठाबरा, वो कल मेरे गैराज में ना एक एक टन की एसी भेज दो, वो मैं सखरम पे फिट कर दूंगा। ठीक है छोड़ी, अब तो तुम मेरे सकरम पे एसी फिट करके ही देना। जेठा तुम कल के कल ही एसी भेज दो। पेमेंट? तुम जैसा बोलो वैसे। लेकिन सोड़ी, सबसे पहले मेरे सकरम पे एसी फिट करके दिखाओ। और सिर्फ फिट नहीं करना है, वो चलना भी चाहिए। मतलब जैसे सकरम चलेगा एसी भी चलना चाहिए, उसमें ठंडी ठंडी हवा आनी चाहिए। ठंडरा कपिड़ू, मैं तो मजाक कर रहा थी। तो जेठा कौन सा सीरियस था? ये भी सीरियस नहीं था भाई। दोस्तों मजाक छोड़ो, लेकिन सच में गर्मी बहुत बढ़ रही है। पोपड़लाल, गर्मी का सीजन में गर्मी ही होगा ना। जरूरी नहीं है कि अब गर्मी के सीजन में गर्मी ही हो। तो क्या गर्मी का सीजन में बरसात होगा? वो भी सकती है। अरे भाई, जमाने के साथ साथ मौसम भी बदल रहा है, जरूरी नहीं है गर्मी की सीजन में गर्मी ही हो। सही बात है, आजकल के सारे मौसम उल्टे हो रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा। अब देखो ना, ठंड के मौसम में कभी कभी गर्मी लगती, गर्मी के मौसम में कभी कभी ठंड लगती, और बारिश की तो बात ही मत करो, उसका तो कोई मौसम ही नहीं रहा, कभी भी बरसती है। बिल्कुल बिल्कुल सही करे मेहता साहब आप, और ये सब हो रहा है वो अपना इसकी वजह से। मेरा वजह से? मैंने क्या किया? आपको कौन बोल रहा है? अरे तुमने अभी हाथ मेरे तरफ किया ना। अरे नहीं नहीं सॉरी, मेरा मतलब ये सब हो रहा है इसकी, मतलब वो बोलते हैं ना वो क्या, वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ग्लोबल वार्मिंग? हाँ। अरे क्या? हाँ जेठालाल, मैं तुमको पूछ नहीं रहा हूँ ग्लोबल वार्मिंग जेठालाल, मैं तुमको बता रहा हूँ जेठालाल ग्लोबल वार्मिंग। आप क्यों बता रहे हैं? मैंने तो बता दिया ना पहले ही। तो पहले गलत बोला ना। क्या गलत बोला? वो छोड़ो। हाँ, पर एक बात समझ में नहीं आती है यार भाई। चलो आज आप है तो आपको पूछ ही लेता हूँ। दुनिया में बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग हैं, वो सब मिलके ये ग्लोबल वार्मिंग का कोई हल क्यों नहीं निकालते? अरे तो इसमें साइंटिस्ट क्या करेगा? मुझे क्या पता, मैं थोड़ी साइंटिस्ट हूँ, आप साइंटिस्ट हो, आपको पता होना चाहिए। जयलाल, ग्लोबल वार्मिंग ठीक करने के लिए साइंटिस्ट का जरूरत नहीं है, वो अपने आप ठीक हो सकता है। बस ये अर्थ पे रहने वाला हर इंसान इंसान की तरह रहे तो। क्या मतलब? मतलब अभी जडलाल मैं डिटेल में समझाने जाऊंगा ना, तो ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन शॉर्ट में समझाऊं तो इंसान अगर नेचर के साथ छेड़खानी बंद कर दे तो ग्लोबल वार्मिंग से बचा जा सकता है। सही बात है,
भाई वाह यार, क्या बात है। और जेठाल, नेचर मतलब स्वभाव। स्वभाव भी होता है, लेकिन यहाँ पर नेचर का मतलब है कुदरत। अगर हम कुदरत का ख्याल रखेंगे तो कुदरत हमारा ख्याल रखेगी। मतलब कुदरत वाले नेचर का ध्यान रखने के लिए पहले हमें अपना स्वभाव वाला नेचर बदलना पड़ेगा। ओहो जेठालाल, क्या गहरी बात कही है तुमने। मतलब नेचर का ध्यान रखने के लिए खुद का नेचर बदलना पड़ेगा। सही बात है। दर्शकों, कभी कभी जब हम दूसरों के लिए जाल बुनने की कोशिश करते हैं तो उसमें खुद ही फंस जाते हैं। अब पुरुष मंडली को देख लीजिए, चले थे महिला मंडल को अप्रैल फूल बनाने और खुद ही अप्रैल फूल बन गए। तो दोस्तों, अप्रैल महीने की शुरुआत हो चुकी है, गर्मी का पारा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अब हीट वेव जैसी खबरें आम हो जाएंगी और इस गर्मी में आने वाले लोकसभा चुनाव की गर्मी जो तड़का लगाएगी उससे माहौल और भी ज्यादा गर्म होगा। इसलिए इस गर्मी से खुद को बचाने के लिए पानी पीते रहें, छाछ पीते रहें, जूस पीते रहें, ताकि आप बाकी मौसम की तरह गर्मी का भी आनंद उठा सकें। बाकी आपको हंसी का नॉन स्टॉप डोज देने के लिए हम तो हैं। तो दोस्तों, गोकुल धाम में अब एक नया अध्याय खुलने वाला है। अभी अध्याय क्या होगा ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन आपके घर पर हंसी और ठहाकों की बारिश होती रहेगी। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.